हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करूंगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिगार्डिंग। जो जॉब नोटिफिकेशन निकली हुई है उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। दोस्तों, ये वाटर विंग्स में जॉब होगी और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए जॉब होगी, फीमेल के लिए जॉब नहीं होगी। अब डिस्कस करता हूँ क्या है ये जॉब। ये होगी हेड कॉन्स्टेबल के रिगार्डिंग जॉब है, SI के रिगार्डिंग जॉब है और कॉन्स्टेबल के रिगार्डिंग जॉब है। वाटर विंग BSF में होगी ये जॉब, नॉन गस्टेड जॉब होगी ये। ग्रुप बी और सी में ये जॉब आएगी, ठीक है, ग्रुप बी और सी की होगी वाटर विंग्स के लिए। आगे चलता हूँ, एग्ज़ामिनेशन फीस होगी जो इसकी, वो ऑनलाइन फीस पेमेंट नहीं होगी, आपको डिमांड ड्राफ्ट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं या PO बना सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर जो होता है, IPO जिसे बोलते हैं, वो भी बना सकते हैं। 200 रुपये का होगा SI सभी के लिए, फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड अदर कैंडिडेट के लिए होगा। रिजर्व कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। एंड क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, सॉरी, जो फीस होगी वो होगी 200 रुपये फॉर SI मास्टर, SI वर्कशॉप एंड SI इंजन ड्राइवर के लिए, और 100 रुपये फीस होगी हेड मास्टर, हेड वर्कशॉप एंड हेड इंजन ड्राइवर और CT के लिए होगी, ठीक है। ये फीस होगी और जो SC कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, ST से रखते हैं या BSF कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं BSF में या फिर एक्स सर्विस में है ना, उनके लिए इनमें कोई फीस नहीं है, उनके लिए फ्री होगा ये फॉर्म। आप सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सेंड करना है, कहाँ पे सेंड करना है वो भी आपको बताऊंगा। क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन ड्यूली फील्ड इन फॉर्मेट, और सेंड करना है आपको 16 मार्च से पहले, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे आपको बता दूं, अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे सिक्किम, लद्दाख, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्स एंड पांगी सब डिवीज़न ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज 30 मार्च 2020, दैट इज 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ द नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनके लिए 30 मार्च होगी डेट, ठीक है, लास्ट, और अदर के लिए होगी 16 मार्च, ओके दोस्तों। आगे बात करूं, जो चलते हैं आगे देखते हैं, कैंडिडेट बिलोंग टू फिजिकली हैंडीकैप हैं जो, वो इससे एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ऑल इंडियन से आप कहां से भी बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो SI की है पोस्ट, SI की बात करूं मास्टर की, उसकी अनरिजर्व्ड की 4 पोस्ट है, EWS की 1 है और टोटल पोस्ट होगी 5। सैलरी आपको लिंक आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी। एज चाहिए होगी 22 से 28 के बीच में होनी चाहिए, 10th आप पास हो, 10th प्लस 2 होने चाहिए विद सेकंड, और आपके पास सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, इशूड बाय द सेंट्रल और द स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट से, ठीक है। इंजन ड्राइवर की भी देख सकते हैं आप पोस्ट, और उसमें भी प्लस टू के साथ साथ फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट से आपके पास इसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। SI वर्कशॉप के लिए 1 पोस्ट है, 20 से 25 चाहिए और बैचलर डिग्री के साथ साथ मैकेनिकल में होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग, या 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल में भी चल पड़ेगा, या मरीन में ऑटोमोबाइल में भी आपका चल पड़ेगा। हेड कॉन्स्टेबल मास्टर की आपको 20 to 25 होनी चाहिए, 10th पास होने चाहिए, ठीक है। और हेड कॉन्स्टेबल इंजन ड्राइवर में 10th के साथ साथ आपके पास सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। वैसे हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप की आप देख सकते हैं, आपको लिंक में नज़र आ रही होगी, और इसमें भी 10th होनी चाहिए, साथ में ITI आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा इन मोटर मैकेनिक पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रीशियन, आप चेक कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। वैसे ही आपको SCT की क्रियू की आपको नज़र आ रही होगी सारी आपको वैकेंसीज, और इसमें ये भी बताया 10% वैकेंसी रिजर्वड फॉर एक्स सर्विसमैन, और इसमें डिक्रीज और इंक्रीज भी हो सकती है वैकेंसी,
इसमें बीएसएफ इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है, ये पोस्टपोन्ड भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और आगे चलता हूँ। जो फी एज रिलैक्सेशन मिलेगी, SC/ST को 5, OBC को 3, एक्स सर्विसमैन को अनरिजर्व जनरल से कहते 3 ईयर, और एक्स सर्विसमैन OBC को 6 ईयर, एक्स सर्विसमैन SC/ST को 8 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेंगी। आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बस ये आपको बताना था, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। और जो शेड्यूल ट्राइब है, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, मिनिमम हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर, और मिनिमम चेस्ट चाहिए 73 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, ठीक है, और बिना फुलाए, ठीक है, और फुलाए चाहिए 78 सेंटीमीटर। वैसे आप हिली एरिया देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा। किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर होगी आपकी, सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू होगा आपका, 2 फेसेस में होगा। पहले तो रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी सेकंड फेज में, फिर फिजिकली मेजरमेंट होगा, फिर फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। जो टेस्ट होगा उसमें आप देख सकते हैं फॉर पोस्ट ऑफ द SI, SIED, SIWKSP, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, न्यूमेरिकल के आएंगे, और ट्रेड अवेयरनेस के आएंगे। टोटल 100 मार्क्स का होगा 2 आवर का। और जो दूसरा मास्टर ED इनके लिए हैं, हेड कॉन्स्टेबल के लिए, जो उसमें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट ऑफ जनरल, उसको 33% चाहिए और 35 चाहिए, और SC और ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 33% चाहिए एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, सेकेंड प्रोसीजर में बैठ सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो प्रोसीजर होगा फर्स्ट फेज के बाद, जो सेकंड प्रोसीजर होगा इन इन सेंटरों में होगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। फिजिकली एफिशिएंसी में 1 माइल भागना 8 मिनट में, हाई जंप है 3 फीट 6 इंच का 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, लॉन्ग जंप में 11 फीट्स है 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, बट जो रेस होगी उसमें कोई अटेम्प्ट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये जगह है, इस जगह पर आप फॉर्म सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप देखना चाहते किस जगह पर, आप जैसे नॉर्थ से करते तो आप दिल्ली में कर देना सेंड अपना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय। आपको यही बताना था, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। इस तरह से फॉर्म होगा जो आपको दिख रहा है, ये आपको फिल करना है और भेजना है, सेंड करना है कहाँ पर, जो आपको बताई जगह।